इंदौर के नजदीक राव विधानसभा के पीपलदा गांव के ग्रामीण कई सालों से मकानों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को लेकर टेंशन में जीवन जी रहे थे, लेकिन क्षेत्रीय नेता मधु वर्मा की सजगता और निष्ठापूर्ण प्रयासों से ये टेंशन कुछ ही दिनों में दूर हो गई और अब ग्रामीण अपने दिल से मधु वर्मा को धन्यवाद दे रहे हैं और उनके नागरिक अभिनंदन के संकल्प को ले रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राव के पिपलदा गांव में ग्रामीणों के घरों से हाई टेंशन लाइन हुई दूर। ग्रामीणों का टेंशन खत्म करने के लिए मधु वर्मा बने नायक। ग्रामीणों की गुहार सुनकर मधु भैया ने एमपीईबी से दूर कराई लाइन। ग्रामीणों ने दिया दिल से धन्यवाद। राव विधानसभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा किस कदर सक्रिय हैं, इसका जीता जागता उदाहरण उस वक्त सामने आया जब क्षेत्र के पिपलदा गांव में एक बैठक के दौरान ग्रामीणों ने भावुक अंदाज में उनका शुक्रिया अदा किया और गांव के कई मकानों के ऊपर से जा रही हाई टेंशन लाइन को हटाने पर उनका अभिवादन किया। दरअसल ग्रामीण पिछले 10 से 15 सालों से इस समस्या से जूझ रहे थे और कई बार विद्युत मंडल से गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या दूर नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों ने क्षेत्रीय नेता मधु वर्मा को दी तो उन्होंने तत्काल एमपीईबी के अधिकारियों से चर्चा कर जनता के घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को दूर करने के लिए कार्यवाही शुरू करवाई और अब ये लाइन पूरी तरह शिफ्ट कर दी गई है। इस बात को खुद माली समाज के अध्यक्ष बद्री पटेल ने एक बैठक के दौरान बड़े ही भावुकतापूर्ण अंदाज में कुछ इस तरह बताया। 15-20 परिवार 24 घंटे उन्होंने अपने मकान के ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ाव नहीं बनाया। अगर चढ़ाव बनाए तो 24 घंटा उन बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते। उनके मकान के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं सूखा चल रहे, कोई उनके ऊपर चढ़ नहीं सकता मकान के ऊपर। तो भाई साहब हम आपसे निवेदन करने आए, प्रार्थना करने आए, रिक्वेस्ट करने आए, ये विकट समस्या आपके अलावा कोई हल नहीं कर सकता। सम्मान्य भाई साहब ने तत्काल रंजन साहब को बोल लगाया। रंजन साहब को बोला कि ये पिपलदा का मामला नहीं, मेरा मामला है, ये परिवार मेरा परिवार है और यहाँ किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होना चाहिए और यहाँ से यह हाई स्टेशन निकलना चाहिए। उन्होंने बताया कि भाई साहब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें समय लग सकता है। भाई साहब ने बताया कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति बने, किसी भी हालत हो, पर लाइन मकानों के ऊपर से हटना चाहिए। तो हम सारे परिवार भाई साहब के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि असंभव को संभव करना अगर किसी में ताकत है तो वो मधु वर्मा में है। बंधुओं, एक इनका हमारा कभी परिचय नहीं हुआ, ये हम कभी मिले नहीं, पर एक हमारी समस्या, हमारी दिक्कत, हमारी परेशानी को उन्होंने समझा, उस परेशानी को उन्होंने तत्काल हल किया। ऐसे नेता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और ऐसा नेता अगर भारत में हो तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है, ऐसा मेरा दावा है। मैं भगवान महाकाल के दरबार में, बाल हनुमान जी के दरबार में प्रार्थना करता हूँ जो चिरायु हो और हमेशा हमेशा हम जैसे दुखी दलितों का काम करते रहे, बस मेरी यही प्रार्थना है, यही निवेदन। कुल मिलाकर इस वाक्य से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मधु वर्मा चुनाव हारने के बाद भी जनता के प्रति कितने सजग हैं और किस तरह से अपनी सक्रियता का लोहा पूरी राव विधानसभा में मनवा रहे हैं और जनता के खातिर दिन रात एक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज राव।